ये वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पर डिज़ाइन दिखाऊंगी, फिर वही डिज़ाइन मैं आपको नेल के ऊपर भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पत्ता बनाएगी, कलर ले लेना है ब्रश में, एक्स्ट्रा कलर को निकाल देना है। अब एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इस तरह से, और फिर इसमें हम पत्ते बनाएंगे। और हाँ, ज़्यादा ब्रश में दबाव देगे तो देखो लाइन मोटी बन जाएगी, तो इसलिए हल्का प्रेशर देना, ठीक है। और फिर इस तरह से पत्ता बनाना है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, जैसे सी लिखते हैं ना, सी। और फिर दोनों को मिला देना है, मतलब एक बार इस तरफ से सी लिखो, एक बार दूसरी तरफ से, और मिला दो एक पतली लाइन, ठीक है। अब देखो एक इधर से सी और एक इधर से सी के जैसा, बस हो गया। अब वीडियो में कहीं भी कट नहीं है, ठीक है, तो आप देख करके भी अच्छे से समझ सकते हो। अब इसके साइड साइड में हल्का हम ऊपर की तरफ ब्लैक ज़्यादा देंगे, ठीक है, और इधर नीचे भी, बस मतलब आपको हल्का सा वहाँ पे मोटा कर देना है लाइन को। अब ये पत्ता क्या लग रहा है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, ठीक है, देख के लग रहा है ना कि हल्का सा मुड़ा हुआ है। देखो सबसे लास्ट वाला नहीं लग रहा है। तो एक पतली लाइन खींचनी है, ये दूसरी डिज़ाइन है, इसमें भी पत्ता ही है इस तरह से, ठीक है, देखो ऐसे। बस इसमें हम पत्ते में मोटी लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग दिखेगा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, देखो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मान लो कि सी को आप ऊपर के साइड लिख रहे हो, फिर ऐसे सीधे लिख रहे हो, अलग अलग टाइप से सी लिख रहे हो, ठीक है, मतलब चारों तरफ से। देखो एक पतली लाइन, फिर यह दूसरी डिजाइन है, एक दूसरे से मिलेगी लेकिन हल्की हल्की सारी डिज़ाइन अलग होगी, ठीक है। इसमें भी पत्ता ही बना रहे हैं हम, लेकिन देखो सब में, तीनों में पत्ते का जो शेप है वो अलग है, ठीक है, सब में कोई ना कोई फर्क है। अब ये देखो इस तरह आपको बनाना है, हल्का सा छोड़ो ऊपर की ओर, हल्का ले जाओ, फिर नीचे, फिर थोड़ा जगह छोड़ करके ऊपर और फिर नीचे, इस तरह से दोनों साइड। ये जब पूरा ब्लैक हो जाएगा ना तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने इसके पिछले वीडियो में ये डिज़ाइन बनाया है और वो अच्छा दिख रहा है, इसमें तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है उतना, पर आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, जिग जग करके। इसमें तो ये ऊपर की तरफ ख़राब हो गया, तो मैं दोबारा बना रही हूँ ऐसे, फिर हल्का ऊपर, फिर नीचे, फिर दोनों छोड़ करके ऐसे, हाँ ठीक है ये। अरे यही दूसरे साइड भी आपको बनाना है, हल्का ऊपर नीचे खींचो, थोड़ा जगह छोड़ के, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, ऐसे ये बन गया। और जब ये पूरा ब्लैक हो जाता है ना तब ये अच्छा दिखता है। बस बीच बीच में कहीं कहीं खाली जगह छोड़ना रहता है जहाँ से वाइट कलर दिखाई दे, तो फिर ये बहुत सुंदर दिखेगा। और फिर एक ऐसे देखो फ्लावर, ज़्यादातर ऐसे ही फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, पर ऐसे नहीं बनाना है। ये देखो जैसे बीच में एक बिंदु बनाना है आपको पहले, और उसके तरफ लाइन खींचनी है एक सीधी, और हाँ मोटी लाइन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्रश में दबाव कम रहेगा, ऐसे पतली लाइन, फिर ऊपर के साइड से,
फिर इधर से, अरे बस इधर से। और अब आपको इसको मिला देना है, ठीक है, ऐसे जैसे ही। मान लो ये भी सी ही है, ठीक है, इस तरह से, या फिर यू, छोटा सा आधा यू। और ये देखो अब सब पत्ता बराबर लग रहा है और ये अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से फ्लावर बनाना चाहिए, ठीक है। आप एक दो बार कोशिश करोगे तो हो जाएगा आपसे, प्रैक्टिस करो इसे देखकर, और बीच में इस तरह कर देना ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। और अगर कलर सूख जाए तो आप उसमें हल्का पानी देके उसे भिंगा भी सकते हो, ठीक है। अब एक न्यू डिज़ाइन ऐसे करो, ऐसे भर दो, या फिर आप बरस से बस इस तरह हल्का सा ऊपर नीचे भी करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसमें ज़्यादा शेप का आपको ध्यान देने का कोई ज़रूरत है नहीं। और ये भी बिल्कुल एक फ्लावर की तरह ही दिखता है इस तरह से। ये बहुत सिंपल है, बहुत। अब जो हमने अभी फ्लावर बनाया उसी तरह का फ्लावर बनाएंगे, बस इसमें जो पत्ते का शेप है ना वो चेंज होगा, वो दिल के तरह होगा, ठीक है। तो एक डॉट बनाना है और लाइन जिस तरह उसमें खींची थी उसी तरह सेम इसमें भी होगा। ब्रश में कुछ है तो हटा ले, कभी कभी इस ब्रश में कुछ रेसा टाइप का आ जाता है और ये होता ही है हमेशा, तो ऐसा कुछ आएगा तो उसे हटा लेना वरना वो डिज़ाइन को ख़राब कर देगा, ठीक है। और इस तरह से करने से ना सारे पत्ते बराबर बनते हैं, जैसे इस तरह आपको इसमें अब लिखना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप 3 लिख रहे हो नीचे के साइड से, 3, जैसे ऐसे 3 लिखते हैं ना, तो आपको हर साइड से 3 लिखना है, जैसे कि 1-3 यहाँ पर, 1-3 यहाँ पर, है ना। इसी तरह सब में आपको 3 लिखना है। अब देखो दोनों फ्लावर अलग अलग है ना, इसमें पत्ता दिल के तरह है, ठीक है, और इसमें भी आपको बीच में कलर देना है तब ये फूल के तरह दिखता है। देखो अभी अच्छा लग रहा है, आसान है, सिंपल है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब एक न्यू डिज़ाइन के लिए एक पतली लाइन, और आपको इसमें भी बनाना है, ठीक है, ऐसे जैसे से भी लिखते हैं ना, तो एक बार ऐसे लिखो भी, और फिर उसके साइड साइड से भी एक एक लाइन निकाल दो, ठीक है। और ऊपर में आपको ऐसे मिलाना है, और ये सीधी लाइन नहीं है, जिग जग है, मतलब ब्रश को आप हल्का सा ऊपर नीचे करोगे ना तो वो हो जाएगा, ठीक है। और बीच में हल्का सा इस तरह कलर दे दो, और एक और लाइन निकालो, और इस तरह से देखो ब्रश को बस हल्का सा ऊपर नीचे करना है, ये हो जाएगा। और अब ये एक नया फ्लावर बन गया, मतलब अब ये उन दोनों डिज़ाइन से अलग है, और बीच में एक पत्ता। और पत्ता देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। आप प्रैक्टिस करोगे ना पेपर में तो बनने लगेगा, ठीक है। और अगर आप अभी सीख रहे हो तो पेपर पे ही प्रैक्टिस करना, नेल पे नहीं, वरना आपका बहुत फालतू टाइम बर्बाद होगा, उसको बनाओगे उसमें फिर उस नाखून को साफ़ करोगे, इसलिए पेपर पे ही करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ है, एक भी लिखो और बीच में लाइन दे दो, ठीक है। और देखो अब इसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन है, मतलब इसमें भी ब्रश को ऊपर नीचे किया है, लेकिन थोड़े अलग टाइप से, यहाँ पे गोल गोल है, ठीक है, देखो इस टाइप से, जैसे पहाड़ कैसे बनाते हैं बच्चे, पहाड़ पहले वाले में उस टाइप का था, मगर इसमें उस टाइप का नहीं है, ठीक है। और नीचे आपको हल्का मोटा करना है, और एक पतली लाइन, और इधर एक पत्ता छोटा सा, ठीक है, ऐसे, ये पत्ता ऐसे है।
और अब ये एक लंबा पत्ता है और ये लग रहा है मुड़ा हुआ। और दूसरे साइड में बस एक और पत्ता बनाया गया हम, और एक फ्लावर, अभी ये एक फ्लावर बना रहे हैं। ठीक है, ये खिला हुआ नहीं है, ऐसा लगे कि ये खिला हुआ नहीं है, छोटा सा अभी है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे खाली जगह लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे एक पत्ता बना रहे हैं। ठीक है, देख लो। तो अभी जो हमने फ्लावर बनाया अभी वही हम नेल पे बनाएंगे। ठीक है, पर हाँ आपको कलर अलग से निकालना है क्योंकि लिए नेल देखो ब्लैक है तो मैंने वाइट कलर लिया है। वाइट नेल ले रहे हो तो ब्लैक कलर लेना। ठीक है, और सीधा डब्बा से कलर नहीं निकालना है, डब्बे से कलर निकालो और उसे बंद करके रख दो वरना पूरा कलर सूख जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हल्का सा कलर लेना है, जो ज़्यादा कलर है उसे निकाल दो ब्रश से। ठीक है, देखो एक पतली लाइन, और ज़रूरी नहीं है कि जैसा पेपर पे है वैसा सेम टू सेम आप बनाओ। जब आप दोबारा सेम डिज़ाइन को बनाते हो तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है, तो ये वाइट जो वहाँ पे ब्लैक है उसके ऊपर पत्ते हैं, फूल के पत्ते। ठीक है, और ये ब्लैक है, ब्लैक में कोई भी कलर बहुत मुश्किल से दिखता है इसलिए मैं डबल बना रही हूँ, मतलब दो बार चलाया मैंने ब्रश को वहाँ पे। अब देखो पत्ता, ऐसे आराम से चलाना है ब्रश को, बिल्कुल आराम से। ठीक है, और इसे हम कलर भी करेंगे बाद में। उसमें ये थोड़ा ऊपर की ओर है पत्ता, पर इसमें पत्ता जो है वो खिला हुआ दिख रहा है, मतलब फूल जो है वो खिला हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो में कोई भी कट नहीं करने वाली हूँ या इसे जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं चलाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि लिए जो बिगनर है जो सीखना चाहता है और इस तरह बनाना चाहता है तो फिर क्या फ़ायदा कि अगर पूरा वो देखे ही नहीं समझे नहीं, अगर आप पूरा देखोगे तो वो डिज़ाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, और आप एक दो कुछ चीज़ सीखोगे और बाकी चीज़ स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं सोचना कि वीडियो लंबा करने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है, कि कोई चीज़ अगर हम पूरी तरीके से देखते हैं डिटेल से देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। अभी देखो मैं पत्ते में ग्रीन कलर कर रही हूँ। ठीक है, जितना कम डिटेल होगा ना आपके दिमाग में जिस चीज़ के बारे में जितना कम डिटेल होगा उस चीज़ को आप उतनी जल्दी भूल जाओगे। अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके पास जानकारी है आपके दिमाग में तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। ओके, मैंने लाइन को भी ग्रीन किया है, देख लो। और जो फ्लावर है उसे हम रेड करेंगे। ठीक है, रेड कलर में आप दूसरा कोई कलर भी दे सकते हो, पर ऐसा कलर चूज़ करना जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, मतलब लाइट हो उसमें, लाइट। अरे मेरी इंग्लिश कहीं कहीं गड़बड़ होगी तो उसे इग्नोर करना क्योंकि लिए मुझे आती नहीं उन अंग्रेजों की भाषा और ना ही मुझे कोई शौक है। बीच में पीला कलर कर रही हूँ मैं, अभी नए नए वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया जिसमें मैं बोल के बना रही हूँ इसलिए बहुत जगह गलती होती है तो उन गलतियों को इग्नोर कर देना। ओह, मैंने पहले रेड बोला था पर ये ऑरेंज कलर है। और
पर हाँ आप ब्लू कलर में चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि ले ब्लैक में ब्लू बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे ग्रीन भी देख सकते हो, ग्रीन भी बहुत कम दिख रहा है, उसी तरह ब्लू बहुत कम दिखेगा। ठीक है, मैं इसको हल्का हल्का भर रही हूँ, हल्का हल्का, ऐसा नहीं है कि पूरा कलर लेके उसमें भर दो, हल्का हल्का, ताकि पता चलना चाहिए कि अलग अलग पत्ता है। ठीक है, और मेरी आवाज़ भी ख़राब है तो उसको भी इग्नोर करना, क्योंकि ये तो मैं बदल नहीं सकती। तो फ्लावर तैयार है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है। अब ये नहीं है, हम ये डिज़ाइन नहीं बना रहे, ठीक है, इसको मत समझ लेना। जो सबसे ऊपर में है हम वो डिज़ाइन बना रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपको सी लिखना है। एक बिंदु लो और इस तरह से हल्का हल्का ब्रश चलाना है, बिल्कुल हल्का हल्का, धीरे धीरे, हड़बड़ी में काम नहीं करना ब्रश को। आप जितना धीरे धीरे चलाओगे उतना अच्छा फ्लावर बनेगा। ठीक है, अब सबको मिला देना है, सी लिख दो हर तरफ से। और हाँ, हम इसमें भी कलर करेंगे, ठीक है। और देखो ब्रश में जो ब्रश को हम पेपर पे यूज़ करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इजी होता है, पर जब हम उसी को नाखून में इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेल पेंट है, वहाँ पे ब्रश का फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है लाइन इधर उधर हो जाए। और यही चीज़ जब हम किसी पेपर पे बनाते हैं ना, तो पेपर पे ऐसा नहीं होता है, ब्रश को फिसलने का मौका नहीं मिलता है, पर यहाँ पे नेल पेंट है तो वहाँ पे ब्रश फिसलेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे जितना धीरे काम करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, पेपर पे ब्रश फिसलता नहीं है तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगा। तो आप पेपर पे बना लोगे तो आप सोचोगे कि चलो नेल पे भी बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन नहीं, देखना आपको नेल पे दिक्कत आएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे हाथ चलाना। ठीक है, अब देखो ये फ्लावर तैयार है, अब इसमें हम कलर करेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्लू कलर लिया है यहाँ पर, ठीक है, येलो फ्लावर है और ब्लू कलर लिया है, और इसको हल्का हल्का भरना है। और हाँ, ये वाटर कलर है, और यहाँ पे भी ब्रश को धीरे धीरे आराम से चलाना है, यहाँ पे तो आपको और आराम से काम करना है। मैंने पहले ही बताया ब्रश फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो इसीलिए आराम आराम से। और जब आप किनारे किनारे भर रहे हो ना, तब तो और ध्यान से अच्छे से देख करके बनाना, ठीक है, कि वहीं पे चांस होता है कि ब्रश इधर उधर चल जाएगा और जो ब्लैक लाइन है, जो दिख रहा है कि पत्ता अलग अलग है, वही ख़राब हो जाएगा। तब ये कंप्लीट हो गया। इसके जगह में अगर पीला रंग भरते ना, तो वो और खूबसूरत लगता, पर चलो ठीक है, मैंने ब्लू भर दिया, ये भी ठीक लग रहा है। आप दो फ्लावर भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। और यहाँ पे पत्ता बना रही हूँ मैं ग्रीन कलर से, बस ऐसे ऐसे करके घींच दो, पत्ता बन गया। वाटर कलर से पत्ता बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बस ब्रश लो, ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। इसमें हम पत्ता बनाएंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है मुझे पता है, मगर क्या कर सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो पूरा देखना ही होगा, वरना स्किप कर कर करके भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लेनी है, बहुत गर्मी है। और हाँ, ये डिज़ाइन मैंने पेपर पे बनाया नहीं है, पर ये आजकल काफ़ी चला हुआ है, मतलब ज़्यादातर लोग यही बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बस इस तरह कलर को फैलाते जाओ और ये बन जाएगा पत्ता। इसी तरह दो और पत्ता बनाएंगे हम, ठीक है। इस तरह से करो, या फिर जैसे मैंने पहले फैला फैला के बनाया था कलर को, उस तरह भी बना सकते हो, या पत्ता बना और उसे भर दो अंदर से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं ये भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है,
कोई भी बना सकता है, अभी शुरुआत कर रहे हो आप, बिल्कुल नए नए हो, पहली बार बना रहे हो, तो भी ये बन जाएगा। क्योंकि लिए इसमें कुछ गलती हो तो आप इस तरह से उससे सुधार सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी हम पतली लाइन लेंगे और पत्ता ही बनाएंगे, जहाँ आपको साइन दिख रहा है ना, हम उस टाइप का बनाएंगे, बस इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम इसमें फ्लावर भी बनाएंगे, पत्ता तो बनाएंगे ही साथ में फूल भी बनाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन बनाओ सबसे पतली सी, मतलब उतनी भी नहीं लेकिन देखो पतली होनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले पत्ता बना लो, इस टाइप से, ठीक है, एक लाइन, और फिर इधर से सी, फिर उसका उल्टा सी, और ऐसा हो गया। और हाँ, सी थोड़ा लंबा होना चाहिए, देख रहे हो ना। तो पहले हमें जितने पत्ते चाहिए हम पत्ते बनाएंगे, और हाँ इसको भी हम कलर करेंगे, तब देखना ये अच्छा दिखेगा। अभी भले ही अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन लास्ट में ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो ऐसे पत्ता बनाना है, और जहाँ जहाँ हमें खाली जगह दिख रहा है ना, वहाँ पतली पतली लाइन खींचनी है हमें, वहाँ पे हम फूल बनाएंगे, छोटे छोटे फूल। देखो ऐसे लाइन खींचनी है और ऐसे हल्का सा गोल कर देना है, या फिर किसी भी तरह ब्रश को हल्का ऊपर नीचे ऐसे करके चलाओ, वो हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन खींचना और इस तरह से अब करना, हो जाएगा। अब इसे सूखने दो, पूरी तरीके से सूखने दो, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, ये सूख जाएगा खुद से, ठीक है। ये देखो ये डिज़ाइन थी, और हमने इसमें इस तरह ये ऐड किया है, ये था नहीं लेकिन हमने लगाया है। और जब ये सूख जाएगा अच्छे से तो हम इसमें कलर करेंगे, पत्ते पे ऑरेंज, आपका जो मन आप वो कलर करो, मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर ब्लैक लाइन के ऊपर भी आप ब्रश चला देते हो तो चिंता नहीं करो, वो जो ब्लैक ब्लैक लाइन है वो दिखाई देगी, क्योंकि ये वाटर कलर है, आप भी वाटर कलर ही लेना, ठीक है। देखो मैं वो ब्लैक लाइन के ऊपर भी ब्रश चला रही हूँ लेकिन वो हट नहीं रहा है, वो दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो जो फ्लावर है उसके चार, मतलब उसके ऊपर इस तरह से आपको चला देना है ऐसे गोल, ठीक है, ऐसे गोल, बस हो गया, इतना ही बनाना है। अब अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है लेकिन अच्छा दिख रहा था, है ना। अब एक और डिज़ाइन ये बनाएंगे, ठीक है। ऐसे 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 करो, एक लाइन खींच दो। इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर से बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे अभी इसके पहले जो हमने फ्लावर बनाया ना, उस तरह भी आप कर सकते हो, जैसे ये ब्लैक है तो वाइट से करोगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। ये एक दो और लाइन बना करके उसमें भी फ्लावर बना सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे एक और बना रही हूँ मैं, एक लाइन, और बस ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। यहाँ शेप का ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रश को हल्का ऊपर नीचे करो, वो हो जाएगा। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ इसे, ठीक है, ऐसे हो गया, बन गया ये। अब इसे सूखने के बाद इसके ऊपर आप वाइट कलर कर सकते हो, जैसे उसमें हमने ऑरेंज किया था उस तरह से। अब देखो ये फ्लावर याद ही होगा आपको, ऐसे एक बिंदु बनाना है यहाँ पे, मैं पहले ही जो बीच में है ना बड़ा सा, उसे पहले ही बना ले रही हूँ, ऐसे पतली पतली लाइन। और इस तरह बनाने से फ़ायदा होता है कि सारे पत्ते सेम साइज के होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पत्ता एकदम पतला दिख रहा है, कोई मोटा दिख रहा है, इस तरह से। देखो यहाँ पे 3 लिखना है, याद रखना, ठीक है। इस तरह से ना सारे पत्ते एक ही साइज के दिखते हैं, देखो 3 लिख दो हर साइड से, या फिर देखो ऐसे बी, बस बी का सीधा लाइन नहीं है इसमें, ठीक है।
अब कहीं कहीं यहाँ पे एक दो पत्ता ज़्यादा मोटा और थोड़ा पतला हो गया है एक दो, तो सोचो अगर आप लाइन दे के नहीं बनाओगे तो फिर कितना मतलब गड़बड़ बनेगा वो। यहाँ मैं अंदर में पीला रंग भर रही हूँ, ठीक है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो, और जहाँ हमने ब्लैक कलर दिया हुआ है ना उसके ऊपर भी हम कलर करेंगे, मतलब उसके ऊपर वाइट वाइट थोड़ा सा ब्रश की मदद से हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब आप कलर भरोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पहले ब्लैक से फ्लावर बनाया है वो सूख जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर वो सूखेगा नहीं तो जब आप बनाओगे ना कलर भरोगे तो अंदर ब्लैक कलर फैल जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले उसे सूखने देना। और जहाँ जहाँ अब आपको खाली दिख रहा है वहाँ पर अच्छे से कलर भरना, जैसे देखो यहाँ ब्लैक हल्का सा गीला हुआ तो देखो वहाँ फैल गया वो, है ना। पर चलो इसे चारों तरफ फैला देते हैं जो फैल ही गया, तो ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है, मतलब अब ये बराबर लग रहा है, गोल लग रहा है। अब इसे भी पूरी तरीके से सूखने दो, जब ये पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाएगा तब इसके ऊपर हम वाइट कलर से, मतलब देखो ब्रश में हल्का सा वाइट लेंगे और ऐसे ऐसे बस आपको सटा देना है हल्का हल्का, ठीक है। अब ये लग रहा है फ्लावर, तो हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। इसमें भी आपकी मर्जी, आप एक फ्लावर बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, जितना अटेगा उतना बना दो, छोटा बनाओगे तो और ज़्यादा अटेगा।